मौज बना हिट हो जा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी चुनाव नतीजों से पहले रुझानों में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। बीजेपी को रुझानों में 250 प्लस सीटें मिल रही हैं और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वहीं सपा का सरकार बनाने का सपना टूटता नजर आ रहा है। सपा को 120 प्लस सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन सब के बीच बसपा की हालत बेहद खराब है। इस चुनाव में सबसे बुरा प्रदर्शन अगर किसी पार्टी का रहा है तो वो मायावती की बीएसपी है। बसपा का प्रदर्शन 2017 के चुनाव परिणामों से भी बुरा नजर आ रहा है। बसपा न केवल यूपी में बुरी तरह से हार रही है, बल्कि चुनाव नतीजों से बसपा सुप्रीमो मायावती को एक साथ 3 झटके लगे हैं। इन चुनाव नतीजों के बाद बहुजन समाज पार्टी का राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं होगा। अभी राज्यसभा में बसपा के 3 सांसद हैं, जिनमें 2 सांसद का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। सामने आ रहे नतीजों से पता चलता है कि बसपा के पास इतने विधायक नहीं होंगे कि राज्यसभा में 1 सीट भी मिल सके। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती खुद भी किसी सदन की सदस्य नहीं बन पाएंगी। बसपा के लिए दूसरा बड़ा झटका यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी के खेमे से बाहर होना है। पार्टी अगर दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाती है तो उसकी उपस्थिति राज्य में बुरी तरह प्रभावित होगी। पार्टी के इस खराब प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती का बीजेपी पर खुलकर हमलावर न होना माना जा रहा है। यही नहीं, मायावती ने राज्य में चुनाव प्रचार में भी आक्रामकता नहीं दिखाई, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। पार्टी के लिए तीसरा बड़ा झटका दिग्गज नेताओं का बसपा छोड़कर जाना माना जा रहा है। बसपा के कई अन्य नेता पहले ही पार्टी छोड़ चुके थे, कई अन्य नेता अब भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जो बचे हैं वो हार के बाद नए विकल्प की तलाश में हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।